हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 आज हमारा ये है। इससे पहले हम दो लेक्चर, पहला और दूसरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसके अंतर्गत, ये आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारी सेकेंड यूनिट है डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो हमारा टॉपिक इसके अंतर्गत चल रहा था। तो उसको हमने जो शुरुआत से उसको समझाता था कि क्या हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन किए जाते हैं, एवं उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी वहां पर कंप्लीट किए। तो आज की इस वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो एग्जांपल नंबर 7 है कि यदि हमारे पास इस तरीके का यू नाम का कोई फंक्शन हो, फंक्शन किसी भी नेम से हो सकते हैं, तो हमारा यू नाम से कोई फंक्शन हो और वो इस तरीके से आपको दिया गया हो, तो उसके अंतर्गत आपको ये चीज प्रूव करनी है इस तरीके से कि इस तरीके का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, उसके लिए रिजल्ट कितना होना चाहिए, 0। तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें, देखो u यानी जो हमारा फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू y क्या कर रखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रखा है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, वाई स्क्वायर से, और फिर अगेन उसका किसके साथ डिफरेंशिएशन किया गया है, पार्शियल y के रेस्पेक्ट में। इसको हम एक पार्ट ले लेंगे, ठीक उसी प्रकार से दूसरे पार्ट में क्या करेंगे कि u का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको 1-x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्टेन रिजल्ट को फिर से x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब कंप्लीट आ जाए तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर हमें ये जांच करेंगे क्या हमारा आंसर 0 होता है या नहीं होता है। अगर हमारा आंसर यदि 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में हमने जो प्रूव कर रहे हैं वो कंप्लीटली क्या ऐसा ही है, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो केयरफुल इस चीज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा, सॉल्व, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स, चाहे आप पहला वाला इसको ले लो और सेकंड वाला उसको ले लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको दो पार्ट में लेकर चलना है इसको। तो हम जानते हैं कि यदि u हमारा फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू x उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरीके से प्राप्त होगा। अब हम इस पूरे को क्या मान रहे हैं कि ये कैपिटल x जैसा है और उसकी पावर कितनी लगी है, -1/2, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसा होगा, या बात करें जनरली डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो x की पावर -1/2, तो उसके लिए क्या आ जाता है कि हमारा इस तरीके से होगा जैसे x की पावर n आपको दिया हो, और इसका डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं क्या होता है, nx की पावर n-2। तो ठीक इसी प्रकार से यहां कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 जो भी आपका फंक्शन है वो एज इट इज, -2xy प्लस का y² और पावर n-1, तो हाफ तो पहले से और 1 और सबट्रैक्ट हो गया तो कितना हो गया, -3/2 हमें प्राप्त हो गई। लेकिन अभी हमारा काम नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि ये कोई x थोड़ी है, ये यहां तो x था इस वजह से ऐसा कर दिया, यहां तो पूरा का पूरा व्यंजक है, तो हमें इस व्यंजक का अगेन फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 1 का हो जाएगा 0, 2xy का क्या मिलेगा मुझे, -2y, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, और जब x के सापेक्ष की बात आती है तो हमारा जो y होगा वो यहां पर कांस्टेंट होगा, तो 2y जो -2y था वो तो कांस्टेंट था, तो बचा हुआ क्या x, और x का किया तो कितना हो गया 1, आगे है y² तो y² में कितना आ जाएगा 0, यानी जब मैंने इसका दोबारा जो मानक रूप जो हमारा नहीं था उसका जब मैंने दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, -2y, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -2y, ठीक है। अरेंज करो यहाँ पर, तो अरेंज करने पर माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लस, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो वो भी यहाँ से हट गया, तो क्या बचा, y 1-2xy प्लस y² की पावर -3/2, ठीक है। और आगे बढ़िए, चलो एक पार्ट तो हो गया यहाँ पर, ये कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमें फाइंड आउट करना था वो तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1-x² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1-x² डेल यू अपॉन डेल एक्स, कि 1-x² से हमने क्या किया, इसको गुणा किया, तो करेंगे तो गुणा कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, चाहे आप वाई को पहले ले लीजिए, वाई 1-x², ठीक है, यहाँ पे आ गया 1-2xy प्लस के y² की पावर -3/2, हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू x इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो विद रेस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने यहाँ पर अगेन क्या लिखा कि डेल अपॉन डेल x 1-x²
डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, कि हमें इसका क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है। अब वाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, वाई को तो हमने क्या ले लिया, कंप्लीट ब्रैकेट से बाहर ले लिया, क्योंकि वाई जब एक्स का सारा जो मैटर हो एक्स का हो रहा है तो वाई तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट का कार्य करेगा, तो कॉन्स्टेंट को हमने कहाँ ले लिया, बिल्कुल बाहर ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब हमारे पास एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन हमारे पास ये हो गया, ये भी x का x यहाँ पर भी उपस्थित है, x यहाँ पर भी उपस्थित है, तो दोनों जगह x उपस्थित है, तो हम एक फंक्शन को u मान रहे हैं, एक फंक्शन को क्या मान रहे हैं, v मान रहे हैं, तो हमारा मैथमेटिक्स का कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के अंतर्गत, u डॉट v वाला यहाँ पर। तो पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसके डिफरेंशिएशन को करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का तीन बटा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का कितना आ जाएगा, फाइव बाई टू, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट और हो गया और एक सब्ट्रैक्ट होने की वजह से तीन बाई तीन बटे दो पहले से था, एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, पांच बटे दो। फिर इस वाले का की अंदर वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना हो जाएगा, तो आगे हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त हो गया कि वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री बाई टू यहाँ पर, और बाकी का ये है जैसे, लेकिन अभी भी हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर जो पूरा उसमें x के अंदर उपस्थित है, तो एक बार इसका फिर से करेंगे पहले की तरह, तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू वाई और आ जाएगा, वही पहले वाला होगा यहाँ पर जो होगा, तो ठीक है। अब बीच में प्लस का चिन्ह आपकी बार पहले वाले को करना पड़ेगा, दूसरे वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो पहले वाले का करेंगे तो ये तो जीरो होगा, ये क्या आ जाएगा हमें, माइनस का टू एक्स, तो माइनस का टू एक्स प्लस माइनस के टू एक्स, और यहां पर आ गया हमारा क्या, ये वन माइनस टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू माइनस के, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब अरेंज कर लेंगे इसको एक बार और फिर देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर हमने क्या किया, बराबर दो, यदि कहीं पर और कोई भी हो तो सब काट देंगे, यहां से देखिए यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, नेगेटिव के चिन्ह काउंट करेंगे यहाँ पर, तो एक तो हमारे पास ये रहा नेगेटिव, एक हमारे पास ये रहा नेगेटिव, ठीक है, दोनों नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, यहाँ से वाई यहाँ से थ्री मिलकर कितने हो गए, थ्री वाई, तो क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया थ्री वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के फाइव बाई टू, यहाँ से देखिए नेगेटिव पर अब क्या होगा, आगे हम इसको अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस का टू एक्स मिल गया हमें यहाँ पर, माइनस का टू एक्स यहाँ से ले लिया कि वन माइनस टू एक्स वाई वन माइनस टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर की पावर माइनस की थ्री बाई, यहाँ तक हमने इसको अरेंज कर लिया, और भी अरेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन है इसको कॉमन ले लो कंप्लीट में से, तो देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो माइनस का थ्री बाई टू है वो वहाँ से कॉमन आ सकता है, तो हमने इसको कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या रहा, वाई तो पहले से था, अब और क्या आ गया कॉमन, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के थ्री बाई टू, ये हमारे पास अंदर से कॉमन आ गया, वाई तो पहले का ही था ये पूरी में से, तो इसको तो पहले हमने बाहर रख ही रखा था, अब अंदर से जो हमने क्या ले लिया कि माइनस का जो ये थ्री बाई टू पावर जो ये वाला जो पार्ट था हमने इसको भी क्या ले लिया, कॉमन ले, तो यहाँ से क्या रिमेन रहा, यहाँ से रहा थ्री वाई और वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या रहा, पांच बटे दो में से हम तीन बटे दो ले चुके हैं, तो कितना बचा है, तो क्या आ जाएगा वन माइनस टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या रहा माइनस का टू एक्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे यहाँ पर। अब हम आगे इसको सोल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें जरूरत होगी तब कर लेंगे, यहाँ से इसमें फालतू में समय बर्बाद करने से कोई महत्व नहीं होगा, तो जब दूसरा पार्ट आएगा तब देखेंगे यहाँ पर कि क्या हम और कर सकते हैं इसमें, तो मैंने इसको एक नंबर ले लिया और यहाँ इसको रख दिया। अब हम दूसरा वाला पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट था इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन का तरीका सेम होगा बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ जो इंटरनल जो पार्ट है इसका डेल यू अपॉन डेल वाई, सबसे पहले इसको हमें फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर अगेन विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुनः पुनः डेल यू अपॉन डेल वाई क्या प्राप्त किया, डेल यू अपॉन डेल वाई हमने प्राप्त किया है, तो देखिए यहाँ से इसका क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होगी वो पहले जैसी होगी,
तो क्या हो जाएगा, एन है, एन आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का एक बटा दो, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, माइनस के थ्री बटा दो। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंदर आ जाएगा जीरो, यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के टू एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का टू वाई। इसी तरीके से होगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ y है इसका 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया था पहले वाला, तो यहाँ y है इसका 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 2x, यहाँ y स्क्वायर है इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा 2y, तो 2y मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो विद रेस्पेक्ट टू हमें y डिफरेंशिएशन करना था उसमें ये हो गया। आगे देखिए वो बराबर, अब मैं यहाँ से एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ और दो कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या लिख दिया, उस माइनस से ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, तो मैं लिखूं यहां पर 1 बाई टू, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर की पावर माइनस के थ्री बटे दो, और दो पहले कॉमन और ले लिया था तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया। समझ रहे हो बात को, कि माइनस यहां से कॉमन लिया था और एक माइनस यहां पर है, दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, दो यहां से अंदर से कॉमन लिया था, वो दो यहां आ गया और उस दो से ये कैंसिल हो गया, तो क्या रहा, 1 माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 3 बटा 2, और साथ में आ गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको क्या ले लिया हमने, चलो जो भी है आगे यहाँ पर, अब अगेन हमें इसका क्या करना होगा कि इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा किससे, वाई स्क्वायर से, और फिर आगे देखते हैं यहाँ पर इसका क्या होगा। सबसे पहले वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगेन इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं, तो आगे होगा हमारा यहां पर, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर से, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के थ्री बाई टू। ठीक है, हो गया। अब क्या करना होगा मुझे इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई, क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, तब डेल अपॉन डेल वाई एंड वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, कि जो भी हमें रिजल्ट मिला उसका हमने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू वाई इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गया था y के रेस्पेक्ट में, आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो एक पार्ट तो हम ये मान लेते हैं, एक पार्ट हम ये मान लेते हैं, ताकि हमें तीन तीन पार्ट मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज पहले वाले में भी y है, दूसरे में भी y है और तीसरे में भी y है, लेकिन इतना लेंदी हम नहीं ले जाएंगे, हम दो पार्ट मानेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस वाले को करने के लिए मैं इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो एक तो ये बन जाएगा, एक y क्यूब बन जाएगा, जिसका जैसा होगा वैसा हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने पहले पार्ट को छोड़ दिया, पहले पार्ट को छोड़ दिया मतलब क्या छोड़ दिया, वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई क्यूब छोड़ दिया। अंदर वाले का किया तो अंदर वाले का तरीका हम जानते हो, माइनस के थ्री बाई टू, और क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का पांच बटे दो, और यहां से जब इसका किया तो कितना आ गया, माइनस का टू एक्स और प्लस का टू वाई। ठीक है, ये अंदर वाले का हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह, अब की बात किसका करेंगे, इस वाले का, इस वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो टू एक्स वाई और माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, ये इसका हो गया। रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के तीन बटे दो। ठीक है, तो जैसा है वैसा का वैसा हमने इसको लिख लिया है। अब अरेंज करने की बात आए, अरेंज करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें व्यवस्था करनी होगी, ताकि हमारा जो पहला लूप है वो तथा इसमें लगभग लगभग समानता हो यहाँ। ठीक है, तो पहले हमारे पहले वाले पार्ट में क्या था, देखिए एक तो ये था कि इसमें वाई हमें चाहिए था यहाँ पर, और एक ये चाहिए था, सबसे पहले इन दोनों को उठाओ आप अंदर से, तो हमने यही काम यहाँ पर किया कि पहले तो वाई कॉमन लेंगे अंदर से, और फिर क्या लेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पर, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के थ्री बाई टू, हो गया। अब देखिए पहले वाले पार्ट में से हम वाई ले रहे हो यहाँ पर, तो वाई जैसे ही लोगे तो यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर हमारे पास बचा वाई एक्स एंड वाई स्क्वायर। ठीक है,
यहां से दो होता तो माइनस हो तो कौन कैंसिल कर देगा, माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन लेने से और दो को कॉमन लेने से ये तो यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, तो तीन बचा और यहाँ पर क्या बचा, तीन बटे दो में से पांच, पांच बटे दो में से तीन बटे दो हमने ले लिए तो कितना रहा, वन माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी, पांच बटे दो में से तीन बटे दो ले चुके हैं तो एक पावर बचेगी तो हमने यहाँ पर ले ली और वो भी किसकी, माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस की बचेगी, लास्ट वाले में नहीं लिखा, ये भी किसकी बचेगी, माइनस की। हो गया यहाँ तक का। अब देखिए आगे हमारे पास हो गया, यहां से हमने इसको माइनस चिन्ह साथ में कॉमन लिया था तो कितना बचा, x माइनस वाई बचा था, ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर x माइनस वाई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यहाँ से आप y कॉमन ले चुके हो तो y कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक तो बचा 2x और एक क्या बचा 3y और यहाँ से क्या बचा 1, क्योंकि कंप्लीट हम पूरा माइनस के 3y को कॉमन ले चुके थे इस वजह से कितना बचा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है क्योंकि हमें इसमें सिद्ध क्या करना था, पहले तथा दूसरे के लिए जीरो इसको सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, एक पार्ट पहले था और एक पार्ट ये आ गया, दोनों पार्टों को क्या करना है, ऐड करके देखना है कि आंसर इनका क्या आता है। तो हमने क्या लिखा, समीकरण एक प्लस दो, तो एक प्लस दो का मतलब इन दोनों को जोड़ो और जोड़ा तो हमने लिखा कि हमारा एल एच एस तो क्या प्राप्त हो जाएगा ऐसा करने पर, कि डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। बराबर में देखिए, बराबर में देखो दोनों, एक पार्ट तो यहां पर एक नंबर से, एक पार्ट यहां से, इन दोनों से देखो ये चीज जो आगे की है वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले इसको मैं ले लेता हूं कि वाई गुणा 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर जो माइनस का तीन बटे दो है वही हमने सबसे पहले कॉमन ले ली। अब अंदर क्या रहा इस चीज को नोट करते हैं यहाँ पर, तो अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से रहा, एक जगह तो रहा ये और एक जगह रहा ये यहाँ, ठीक है। तो इनमें से भी पहले वाले की आप बात करो जोड़ने के लिए, तो दोनों का जो पहला पार्ट होगा अंदर से जब जुड़ेगा तो उनमें से भी एक चीज कॉमन आ सकती है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, और उसके साथ 3y भी कॉमन आ सकता है। तो ये चीज और कीजिए यहाँ पर, तो अंदर के पार्टों में भी हमने क्या कॉमन ले लिया कि 3y 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर जो माइनस 1 थी वो कॉमन ले ली। तो और क्या रहा फिर अंदर यहां पर, ठीक है, तो यहां पर अंदर क्या रहा देखो, यहां से तो 3y भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, तो क्या रहा 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहां तो क्या लिख दिया 1 माइनस x स्क्वायर। ऊपर वाले में से क्या रहा होगा कॉमन, y आप ऑलरेडी ले चुके हो यूज में, तो क्या रहा x माइनस y और x माइनस y यहां से, तो यहां से क्या रहा x माइनस y का होल स्क्वायर रहा था यहां पर, तो क्या रहा साथ में प्लस का x माइनस y का होल स्क्वायर, यही रहा था ना यहां पर, क्योंकि हमने इन दोनों पार्ट की यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक को जोड़ा है, जोड़ने में 3y इसमें भी हो जाएगा, देखो y कॉमन लेने पर 3y यहां पर भी मिल रहा है और 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस 1 यहां पर भी है यहां पर भी, तो दोनों में से हमने उसको भी कॉमन ले लिया था, ठीक है। यानी जो यहां से यहां तक का जो मैटर है वो तो दोनों में कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो एक तरफ तो कितना है ये और एक तरफ कितना है ये, तो इनको भी लिख देते हैं। तो यहां से तो क्या बचा माइनस का 2xy और वहां से प्लस, तो प्लस का 2x माइनस का 3y और माइनस का 2x इस तरीके से, तो इनको और व्यवस्थित करके लिख दिया, ठीक है। यहां से देखिए 2x से 2x ले लेंगे, ठीक है, यहां पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, देखते हैं क्या बचता है। तो मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, नेक्स्ट लाइन को, तो क्या रहा देखिए, ये तो था यहां पर, यहां पर y गुणा 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। अंदर की टर्म्स में देखिए, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 3y बाय 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की जो पावर ऊपर माइनस 1 उसको कहां ले लिया, नीचे। और अंदर की टर्म्स क्या रही है, यहां पर 1 माइनस x स्क्वायर, जब उसको खोला तो x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy यहां से, ठीक है, और यहां से क्या बचा माइनस के 3y। तो ये हमारे पास अंदर का मैटर रहा यहां पर, एक मिनट, ये अलग रहेगा माइनस का 3y अलग रहेगा ये, क्योंकि अलग अलग टर्म्स हमने यूज में लिए हैं, तो ये तो इन दोनों के साथ कॉमन था और बाकी ये दोनों क्या रहेंगे इससे अलग, तो ये यहाँ पर क्या देंगे आपको अलग रहेंगे, ये दोनों यहां से बिल्कुल अलग रहेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, बड़े वाले ब्रैकेट से।
ये मतलब रहेगा वो कहां तक रहेगा आपका, यहां तक ही रहेगा। और बाकी की ये टर्म्स क्योंकि दोनों पद अलग अलग थे, ये वाला और उस वाले का दोनों पद अलग अलग थे, इनमें सबने कुछ भी कॉमन नहीं लिया था, इस वजह से क्या था ये अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए शेष में, यहाँ पर हमारे पास कितना रहा माइनस के 3y, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको माइनस के 3y, तो माइनस का 3y इसके इससे अलग है जो कि हमने बाहर कॉमन ले रखा है, इससे क्या है ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब हमें क्या लेना होगा इसका इसके साथ क्या लेना होगा एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2xy + y² - 3/2, यहां से हमारे पास वही पहले की तरह 3y 1 - 2xy + y² और जब एलसीएम लूंगा तो यहां तो मुझे क्या मिलेगा, यहां तो हमारे पास होगा 1 + y² - 2xy, और यहां क्या रहेगा 3y से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले आपको क्या देगा 3y मिल गया, उसके बाद क्या देगा आपको यहां से माइनस के 3 - माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 × 6 xy² ये दूसरा पार्ट आ जाएगा। तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3y³, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो गया, यानी अब ये तीन दोनों के दोनों पद एक साथ है एलसीएम लेने के बाद। जो माइनस का 3y था हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसके नीचे वाले से, तो किया तो क्या हो गया देखो पहला वाला पार्ट माइनस का 3y एज इट इज आना चाहिए, तो एज इट इज क्या आ जाएगा माइनस का 3y, फिर बीच में नेगेटिव है हमारा 3y किसका है नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, तो 3 × 6 xy² तो xy² आ गया। उससे अगले में कितना होगा देखो यहाँ पर माइनस के 3y और ये भी किसका है माइनस का, तो दोनों मिलकर के हो जाने वो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, तो इसकी वजह से कितना रिजल्ट आ गया माइनस के 3y³ यहाँ पर, ठीक है। एक लाइन और देखते हैं यहाँ पर जिससे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या रहा y 1 - 2xy + y² - 3/2, यहाँ से हमारे पास रहा 3y, पहले को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था, दूसरा क्या रहा 3y³, तो 3y³ आ गया, तीसरा क्या रहा इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 6xy², ये भी हो गया। आगे हमारा क्या था 3y + 6xy² - 3y³, इस तरीके से, और नीचे नीचे क्या जाएगा 1 - 2xy + y². अब देखिए हमारी सारी टर्म्स यहां से कैंसिल हो रही है, 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3y³ से ये भी कैंसिल हो गया और 6 से ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 0 = क्या हो गया RHS। यही आपको प्रूव करना था यहां पर कि इक्वल टू किसके होगा, ये 0 के होगा, तो हमें जो चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की है वो कम्प्लीटली धीरे धीरे हमने की है, वो हमारी क्या सही है बिल्कुल, यदि कहीं भी हमारा यदि करेक्शन हो जाता तो उस कंडीशन में ये 0 भी आपको प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो एक बार नोट कीजिए कुछ समय के लिए।